देव बेटा, ये क्या तू अकेले ही घुल मिल रहा है सबसे? रूपा कहाँ है? कहाँ खो गया देव? कहाँ है रूपा? तू लेने गया था ना उसे? आती होगी माँ। हम कहेंगे नेताजी आ गए। नेताजी लो, बस इन्हीं की कमी रह गई थी। पधारिए मंत्री जी। नमस्कार मंत्री जी, कैसे हैं आप? प्रणाम मंत्री जी। देखिए, आपके आने से पूरा पार्टी में जान सा गया है। भाई वैसे तो सब लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अमावस के चांद की तरह आंख चुरा कर भागते हैं हमसे। क्यों सूरज जी? कैसी बातें कर रहे हैं मंत्री जी? इशारा हमारी तरफ? अरे हम तो मेहमानों के साथ बिजी थे, आपको देख ही नहीं पाए, मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं सूरज बाबू, मिस्टेक तो अभी भी सुधारी जा सकती है, है? बस यूं ही कर रहे थे हम तो, हैं? चलिए चाय पानी का अरेंजमेंट करो। जी जी। अरे सुनिए सूरज बाबू, एक बहुत अच्छे से समझ ले, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मजबूर है मंत्री जी, समझने का कोशिश करिए। अरे जब रूपा यहाँ आई थी तो शादी करवाने आई थी, और आप खुद शादी करके इस घर की बहू बनी बैठी। अगर हमारी होती तो आपका काम करवा देते, लेकिन वो देव की पत्नी, और उसको तो आप जानते ही, हमको तो अब आप माफी करिए, हमसे कुछ ना हो पाएगा। अब जो भी कुछ करना है हम करेंगे। भाड़ में गया देव और भाड़ में गई है शादी, समझ गए? बस इतनी सी बात चाचा जी, आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है ना। ससुरा हम सरकार चलाते हैं और हम ही गिराते हैं। चले अड़िए। बिल्कुल दिल टूटे हुए आशिक के मिजाज हैं आपके। आपको जो चाहिए वो मैं आपको दिला सकती हूँ। कहना क्या चाहती हो? रूपा चाहिए ना आपको? मुझे जो सबसे ज्यादा चीज चाहिए वो रूपा है, लेकिन तुम क्यों मदद करोगी मेरी? क्योंकि मुझे रूपा को देव की जिंदगी से निकालना है। कल हम बाल बाल बच गए, समय रहते वो यंत्र बंद हो गया, मगर वो दो सांप, वो कहां से आए? इतनी सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग। वो देखो। मुझे जल्दी से श्री राम बना दो, आज रामनवमी है ना। अच्छा, तो श्री राम ही क्यों, माता सीता क्यों नहीं? क्योंकि दादी मुझे हमेशा श्री राम ही बनाती है।
उनमें बहुत शक्ति थी, इसलिए श्रीराम। बिल्कुल थी, पर माता सीता में भी बहुत शक्ति थी। वो कैसे? जब राम जी को वनवास जाना था ना, तो माता सीता बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे चल पड़ी, हमेशा उनका साथ दिया, उनके साथ खड़ी रही, कभी उन पर बोझ नहीं बनी, कोई कष्ट नहीं दिया। और जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया ना, तब भी सीता माता ने कभी उनके आगे हार नहीं मानी। माँ, मुझे तो पता ही नहीं था। ओके, डन, अब मैं सीता माता ही बनूंगी। जल्दी से मुझे तैयार कर दो। जी बिल्कुल। आइए। चलिए। क्या हुआ मोहिनी बेटा? चलो जल्दी से, पूजा के लिए देर हो जाएगी। हाँ, मोहिनी और मंदिर अब ना जाने का नाटक करेगी। आओ, क्या हुआ? जीजी, जीजी, जीजी संभालिए। आप मेरा पैर। क्या हुआ? पैर टूट गया क्या? चोट लग गई है। लो, हो गई शुरू। मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगी, आप लोग जाइए। अरे ठीक हो जाएगा, साथ में जाएंगे सब। देर हो रही है कामेखा, भगवान के काम में देर ही नहीं कर सकते। रंभा संभालिए जीजी। हाँ बेटा, लेकिन घर में तुम अकेले। रंभा है ना, हाँ, मैं संभाल लूंगी। फिक्र मत करिए। देखो और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हो। पहचाना मुझे? मैं हूँ सीता माँ, आपको मेरा आशीर्वाद लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो फिर सीता मैया आप हमारी छोटी सी बुलबुल की सारी मनोकामनाएं पूरी कर दो, और थोड़ी सी हमारी भी। जय सीता मैया। तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी, खुश रहो, खूब तरक्की करो और अपनी बेटी के साथ खेलो, कूदो, डांस करो और उसे ढेर सारे टॉयज दिलाओ और उसको दिन रात टीवी देखने दो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बुलबुल की माँ को खूब सारा प्यार करो, क्योंकि बुलबुल की माँ बुलबुल की फेवरेट है। हम अपना काम खत्म करके आते हैं, ठीक है? पक्का आएंगे। आइए बेटा। नेताजी की नगरी में क्या हो रहा है? रूपा घर से बाहर निकल चुकी है, आप भी अपनी नगरी से बाहर निकलिए और रावण वन के सीता का हरण कर लीजिए।
राम जी फिर लक्ष्मण और सीता माँ के साथ जंगल चले गए। तो फिर वहाँ जब सीता माँ अकेली थी तब रावण साधु का रूप लेकर वहाँ आया और फिर उसने पापा का फोन। हेलो, हाँ पापा, आपका काम फिनिश हुआ? बस थोड़ा वक्त और लगेगा। वहाँ पर सब कैसा है? सब ठीक है ना? हाँ पापा, अब तक तो सब ठीक है। बेटा बुलबुल, हेलो बेटा, बेटा बात करो। बुलबुल बेटा क्या हो रहा है वहां पर? हेलो, अरे कुछ जवाब दो हमें। क्या, कौन लेके जा रहे हैं? दरवाजा नहीं खुल रहा है। देव बेटा देखो, ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा है, चाइल्ड लॉक लग गया है। अरे ये लोग रूपा को ले जा रहे हैं। बेटा तुम जल्दी से आप कुछ तो कर। मामा मामा मा, एक बात सुनिए हमारी। एक काम करिए, आप बुलबुल को सामने वाली सीट पे भेजिए, वो वहाँ से बाहर निकल के आपका दरवाजा खुलेगी हमारे। हाँ बुलबुल बेटा, तू आगे जाकर दरवाजा खोल, जल्दी से और बाहर से भी खोल देना। जल्दी से जा और दरवाजा खोल लो बेटा, जल्दी से। बाबू जल्दी से बाहर निकल, ऐसे खोलो, जाओ जल्दी। कहाँ जा रहे हो? वक्त नहीं मुई नहीं, कोई रूपा को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। हाँ तो रहने दो ना, तुम्हें कब से उसकी परवाह होने लगी? रहने दो, तुम मत जाओ। पत्नी है वो मेरी, है वो मेरी। हमारी शादी चाहे किसी भी हालातों में हुई हो, लेकिन एक पत्नी की रक्षा करना एक पति का धर्म है। धर्म है चाहे तो अभी इन्हें इनके किए की सजा दे सकते हैं, पर हम देखना चाहते हैं कि आखिर ये हमें कहां लेकर जा रहे हैं और क्यों, आखिर कौन है इन सब के पीछे। माँ आप डरो मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, बस आप डरना मत। तू हमें सबक सिखाएगी? ये बच्ची हमें सबक सिखाएगी। आई की पर जा मुझसे ना, तुझे भाई
तरीके से निपटूंगा। ए ले चलो इनको, चल। छोड़ो अबे, बुलबुल, बेटा कुछ नहीं होगा, छोड़ो। चल। माँ, आप डरना मत, पापा भी आते ही होंगे। जब आप जैसी बहादुर बच्ची हमारे साथ है, तो हमें किस बात का डर? पिद्दी लड़की, ये तेरी माँ नहीं है, मेरी रूपा है। चल हट। अरे चल। बुलबुल, तू कहाँ चली? आ मेरे पास है। अरे रूपा मेरी जान, तू छोड़ दे इन सब की चिंता, तुझे मैं दूर ले चलूंगा, चल। पागल हो गया क्या? हाथ छोड़ हमारा, छोड़। बहुत बड़ी भूल कर रहा है तुमने, चल चल, बहुत बड़ी बड़ी। जानता है ना, जब रावण ने छोटा मांगता अपहरण किया था, क्या हाल हुआ था? जब पुरुष की मर्यादा भूलता है, उसका नाश निश्चित हो जाता है, समझा? छोड़ हमारा हाथ। रूपा वो ठीक तो होगी ना? बुलबुल ने बहुत समझदारी वाला काम किया, लोकेशन शेयर करके हमारे साथ। ले पहने से मुझे अच्छा लगेगा, खास तेरे लिए लेकर आया हूं, ले। ये सब हमारी वजह से हुआ है। जानता है एक माँ को सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब उसके बच्चे पर कोई आ जाए। रूपा, मेरे पास मत आप, मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा, मेरे नजदीक मत आप।
लोकेशन तो यहीं का बता रहा है। भले ही ये रूपा हो या पारो, क्या फर्क पड़ता है? अभी तक तो वो मिनिस्टर उसे सात समंदर पार ले जा चुका होगा। लगता है ये लोग यहीं हैं। रूपा, भले ही ये रूपा हो या पारो, क्या फर्क पड़ता है? अभी तक तो वो मिनिस्टर उसे सात समंदर पार ले जा चुका होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं। भले ही ये रूपा हो या पारो, क्या फर्क पड़ता है? अभी तक तो वो मिनिस्टर उसे सात समंदर पार ले जा चुका होगा। भले ही ये रूपा हो या पारो, क्या फर्क पड़ता है? अभी तक तो वो मिनिस्टर उसे सात समंदर पार ले जा चुका होगा।